I've fallen in love with I love. I love. Él bole, wow. दुल्हन की आंखों में आंसू, ये तो आंसुओं की रुत ही नहीं, फिर ये आंसू क्यों? आंसू की इस बूंद की कहानी या ये जाने, या सूर्यदेव, या फिर मैं, क्योंकि मैं तो वहीं था। इसने मथुरा के वृष्णिवंशी राजा शूरसेन के राजमहल में जन्म लिया था। वहां इसका नाम प्रिथा रखा गया था, परंतु जब मथुरा नरेश ने प्रिथा को अपने वंशहीन भाई कुंती भोज की गोद में डाल दिया तो वहां जाकर इसका नाम कुंती पड़ गया। कुंती भोज के प्यार की धूप छांव में कुंती को उसका रंग रूप मिला। उन्हीं दिनों ऋषि दुर्वासा कुंती भोज के राजमहल में पधारे। क्या मेरा यहाँ कोई स्वागत नहीं? क्या हम यहाँ इतने अप्रिय हैं? ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आपकी चरण धूलि से कुंती भोज का ये राजमहल धन्य हो गया प्रभु। प्रणाम ऋषिवर। ये मेरी पुत्री कुंती है। सौभाग्यवती भवा। मेरा सौभाग्य तो आपकी सेवा में ही है ऋषिवर। ऋषिवर, स्त्री की पृथ्वी पर क्या महत्ता है? पुत्री, संसार में स्त्री का बहुत उच्च स्थान है। वास्तव में स्त्री ही संसार की जननी है। हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुए राजकुमारी। मांगो, हम तुम्हें क्या वरदान दें? ऋषिवर, आप तो भविष्य में झांक सकते हैं। मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जो भविष्य में मेरे काम आए। अच्छा, तो हम तुम्हें ऐसा मंत्र देते हैं जिसके जप करने से तुम देवलोक से जिसे भी बुलाना चाहोगी उसे आना ही पड़ेगा। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक ऐसा अमोघ वशीकरण मंत्र दिया जो वश में ना आने वाले देवों को भी
वरदान देने के लिए विवश कर दे। कुंती एकांत में अनेक बार ऋषि का कथनानुकथन स्मरण करती और सोचती, क्या ये सब वास्तविक है? देव तो कहीं दिखते नहीं, क्या सचमुच उनका साक्षात्कार संभव है? सोच विचार में डूबी हुई कुंती को माता का एक आदेश याद आया और उसने सूर्य नारायण को जल दिया। उसने फिर सूर्य को देखा, वो दृश्य के प्रति आकर्षित हुई और एकाएक उसके मन को विवश करने वाला कौतूहल जागा। तो हम तुम्हें ऐसा मंत्र देते हैं जिसके जप करने से तुम देवलोक से जिसे भी बुलाना चाहोगी उसे आना ही पड़ेगा। क्या यह सत्य हो सकता है? उसने हठात मंत्र का प्रयोग कर दिया। क्यों बुलाया प्रथा? क्षमा चाहती हूँ देव, ऋषि दुर्वासा ने मुझे एक मंत्र दिया था, मैं तो बस उसी की जांच कर रही थी, परंतु देव आप तो सचमुच प्रकट हो गए। क्षमा चाहती हूँ देव, आपको कष्ट हुआ, कृपया आप वापस लौट जाइए। मैं दुर्वासा के मंत्र का फल दिए बिना नहीं लौट सकता, विवश हूं, क्योंकि मंत्र अमोघ है, यदि यह व्यर्थ हुआ तो सृष्टि का सूक्ष्म संतुलन ही डामाडोल हो जाएगा। तो आपको जो देना है वो देकर आप लौट जाइए देव, मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। हाँ, परंतु सूर्य देव, मैं तो एक कुंवारी कन्या हूं, मैं अपने पिता और समाज को क्या मुंह दिखलाऊंगी? चिंता ना करो, तुम्हारे कौमार्य को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, तुम्हारा पुत्र हमारे कवच और कुंडल सहित जन्म लेगा, वो दानवीर कर्ण के नाम से त्रिलोक में प्रसिद्ध होगा।
सूर्यदेव तो वरदान दिए बिना जा नहीं सकते थे, तो वे कुंवारी कुंती की गोद में एक बच्चा रखकर चले गए। बच्चे ने तो जीवन का सामना करने के लिए कवच पहन रखा था, परंतु कुंती के कौमार्य के पास तो कोई कवच नहीं था। वो क्या जवाब देगी, क्या कहेगी समाज से कि कुमारी कुंती मां कैसे बन गई? सीता जैसी देवी की पवित्रता को संदेह से देखने वाला समाज भला उसकी बात क्यों सुनेगा? तो फिर यह कुंती क्या करे, कहां छिपाए इस पुत्र को जिसे वो अपना पुत्र कह भी नहीं सकती? अपना दान अपनी मां से आरंभ करो दानवीर कर्ण। अपनी मां को क्षमा कर दो, अपनी मां को क्षमा कर दो। Thank you.